तो क्या कभी तुम लोगों ने सोचा है कि माइनक्राफ्ट का सबसे वीकेस्ट ब्लॉक कौन सा है? तो देखो, स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लॉक की बात तो सबको ही करता है, जिसमें बेडरॉक, ऑब्सीडियन और ये क्राइंग ऑब्सीडियन जैसे ब्लॉक्स आ जाते हैं। और स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लॉक में उनकी ड्यूरेबिलिटी मेन मैटर करती है, लेकिन ऐसा वीकेस्ट ब्लॉक में नहीं होता है। इनफैक्ट वीकेस्ट ब्लॉक में वो कितने देर में टूटता है ये मैटर करता है। फॉर एग्जांपल, अगर तुम किसी वुड को हाथ से तोड़ते हो तो वो ज़्यादा टाइम लेता है, लेकिन उसी को अगर एफिशिएंसी 5 वाली एक्स से तोड़ते हो तो वो बहुत जल्दी टूट जाता है। अब वीकेस्ट सुन के कुछ लोग सोच रहे होंगे कि लीफ सबसे वीकेस्ट ब्लॉक होता है क्योंकि वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं शीयर्स की मदद से। तो देखो, माइनक्राफ्ट का सबसे वीकेस्ट ब्लॉक है ये। इसको लिटरली तोड़ने की भी जरूरत नहीं है, इसके अगर बगल अगर कोई लाइट सोर्स रहेगा, एक्सपेक्टेड सनलाइट, ये अपने आप ही ब्रेक हो जाता है। तो समझ सकते हो ये कितना वीकेस्ट ब्लॉक है। एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग शॉर्ट्स।